नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ रोहित उत्तम। हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी के धलावड़ी गांव में एक स्लेटदार मकान में आग लग जाती है, जिसकी वजह से दीपावली वाले दिन एक बड़ा हादसा हो गया। और ऐसे में फिलहाल वजह सामने नहीं आई है कि आग आतिशबाजी के कारण लगी या फिर क्या कुछ वजह थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान। प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना कर रही है साकार। वादा किया वादा निभाया, 15 माह में 5 गारंटियां पूरी। पहली कैबिनेट में ओपीएस को मंजूरी प्रदान कर पहली गारंटी को पूरा किया, 1,36,000 कर्मचारियों की आस हुई पूरी। दूसरी गारंटी को पूरा कर इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने दिए जा रहे 1500 रुपए, लगभग 2,37,000 अन्य महिलाओं की मासिक पेंशन भी 1,150 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए की। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत कर तीसरी गारंटी के अंतर्गत ई टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। चौथी गारंटी के रूप में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ कर विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। पांचवी गारंटी के रूप में गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। किसानों के लिए देश में पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम और गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करने का निर्णय लिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी हुआ है। ऐसे में जो साथ ही मकान के साथ पशुशाला भी थी, वहाँ पे भी आग लग गई। मौके पर लोगों ने अपनी वहाँ से जाकर जान बचाई, लेकिन ऐसे में देखिए किस तरह से तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि आग लगने से पूरे गाँव में दहशत फैल गई और पूरे गाँव वालों का कहना था कि पूरी रात उन्होंने बाहर गुजारी। ऐसे में देखिए इस घर में एक भी सामान नहीं बचा है। और ऐसे में धलावड़ी गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीती रात स्लेटपोश मकान में भीषण आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरा मकान जलकर खाक हो गया। हालांकि घर पुराना था और लकड़ी का भी था, जिस वजह से आग ने तुरंत पूरे घर को अपने काबू में कर लिया। और फिलहाल आग बुझाने के लिए स्थानीय गाँव ने मशक्कत की और तुरंत चिंतपूर्णी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो साथ ही लगते रिहायशी मकानों में भी आग लग जाती थी। आगजनी की इस घटना में अनेकों लाखों का नुकसान हुआ है और आग किसी पटाखे की चिंगारी से लगी है फिर कैसे लगी है अभी तक किसी की पता नहीं लग पाया है। लेकिन अपने आप में ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जहाँ पर दीपावली की रात चिंतपूर्णी के निकट धलावड़ी में एक स्लेटपोश मकान में भीषण आग लग जाती है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।